अचानक से सब रुक सा गया, मेरा जहां जैसे थम सा गया। अजीब सा ये वक्त है, कट कम रहा है, काट ज्यादा रहा है। अब तो घर पे बैठे बैठे दिन और रात में भी फर्क नहीं हो पा रहा, मानो जैसे इस पृथ्वी ने तक घूमना बंद कर दिया हो। पृथ्वी का तो ठीक है साहब, लेकिन हम जैसे घुमक्कड़ों का क्या? हमारा तो जैसा जहां ही उजड़ गया। आज पूरे 68 दिन 12 घंटे 30 मिनट और 90 सेकंड हो गए हैं, और अभी भी हम घर की चार दीवारी की काला पानी की सजा काट रहे हैं। सुकून तो है इस बात का कि इसी बहाने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, इन दिनों में भी कुछ यादें जोड़ पा रहा हूँ। लेकिन उन मेमोरीज का क्या जो व्लॉगिंग ने मुझे दी है? याद आती है वो मेरी महेश्वर की पहली सोलो ट्रिप, वो एकांत का माहौल, वो असीम शांति जिसमें मेरा मन कहीं खो सा गया था। याद आते हैं वो लम्हे जब मैं राजस्थान की रेत छानने निकल गया था। बूंदी, उदयपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, ये सब केवल किसी जगहों के नाम नहीं है, मेरे लिए तो ये एक अलग ही एडवेंचर थे, अलग ही फीलिंग थे, दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया था। आज जब टीवी पर महाराष्ट्र की दिन ब दिन बिगड़ती हालत को देखता हूँ तो मुझे तोरणमाल, चिखलदारा, लोनावला खंडाला, माथेरान, एलिफेंटा केव्स और अलीबाग जैसी खूबसूरत जगहों की याद आती है। आज जिस हवा पर कोरोना का कब्जा है, एक दिन मैंने भी उसमें सांस ली थी। अब तो बस हाथ में फोन लिए इन लम्हों की यादों में डूबा रहता हूँ। ये देखो, ये फोटो है शिमला की, और ये वाली जब मैं नैनीताल गया था। कुछ अलग ही खूबसूरती है उन जगहों की, और ये भीड़ जिसे आज देखकर दिल सहम जाता है, लेकिन उसी भीड़ ने मेरे ब्लॉगिंग करियर को एक नई दिशा दी थी। आज किस्मत अलग ही है चारों लोगों। लॉकडाउन लगने से पहले मेरी आखिरी ट्रिप थी उत्तराखंड के अल्मोड़ा नाम के सुनहरे गांव की। अलग ही दुनिया से बिलोंग करती है वो जगह, अलग ही लोग, अलग ही माहौल, नेचुरल वाइब्स ही अलग है कुछ वहाँ के। उसी की यादों में हर पल हर घड़ी किसी खूबसूरत क्रश की तरह डूबा रहता हूँ। वहाँ के नज़ारे, ताज़ी हवा, खाना, वहाँ के लोग, हर चीज़ जैसे मानो किसी अलग ही दुनिया से बिलोंग करते हो। शायद ही इसीलिए उसे देवभूमि कहते हैं। चलो ठहर जाते हैं कुछ दिन के लिए अपने अपने घरों में, बीत जाने देते हैं ये वायरस की काली रातें। लेकिन दिल कहता है एक ना एक दिन सवेरा फिर से होगा। सफर रुका जरूर है दोस्तों, लेकिन खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर से ये कारवा शुरू होगा, और एक ना एक दिन फिर से एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों से कहूंगा गुड मॉर्निंग गाइस, 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 गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? पिक्चर अभी बाकी है,